नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है कि क्या जांच एजेंसियां पैसा खा रही हैं? क्या जांच एजेंसियां, जिसमें इनकम टैक्स आता है, सीबीआई आता है, ईडी जिसे आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, ये सब सेटल कर रही हैं मामले? सेटल आप जानते हैं पैसे देकर होते हैं। ये बड़ा गंभीर किस्म का आरोप है। ये संजय राउत ने लगाया था, शिवसेना का नेता है। उन्होंने कहा था कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जांच एजेंसियां पैसा ले रही हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, ईडी का खास तौर से उन्होंने नाम लिया। इस आरोप को एक राजनीतिक बयान के रूप में दाएं बाएं कर दिया गया। माना गया कि चूंकि शिवसेना के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, इसलिए शिवसेना के नेता ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब शरद पवार ने भी यही बात कही है। शरद पवार का कद बहुत बड़ा है। शरद पवार यूं ही कुछ नहीं बोलते। शरद पवार का ये कहना एक तरह से संजय राउत के बयान का समर्थन करना कि हाँ, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में मैंने भी सुना है, और अगर इसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्व है, इफ सेंटर इज इन्वॉल्व, उनका ये कहना है, तो फिर केंद्र को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि असलियत क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही है। आगे उन्होंने लोकतंत्र से जोड़ दिया, कहा कि भारत में लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं और जांच एजेंसियां इस तरह का काम करें, इसकी कीमत केंद्र सरकार को चुकानी पड़ेगी। यानी जांच एजेंसियां मामला निपटाने की कीमत ले रही हैं और इसकी पॉलिटिकल कीमत केंद्र सरकार को चुकानी पड़ेगी। हैरानी की बात। हैरानी की बात इसलिए है कि कुछ समय पहले तक, चाहे तेलंगाना के केसीआर हो मुख्यमंत्री, या फिर ममता बनर्जी हो जिनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर छापे पड़े, या फिर शिवसेना के नेता हो, या इससे पहले कांग्रेस के भी नेता रहे हो, वो सब के सब ये आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है, बेवजह उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है, चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के दौरान छापे पड़ते हैं, मोदी सरकार सीबीआई का, मोदी सरकार ईडी का, मोदी सरकार इनकम टैक्स विभाग का, सबका दुरुपयोग कर रही है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रही है और सियासी रूप से या चुनावी रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनके साथियों को, उनके संगठनों को, कुछ लोग ऐसे जो रिश्तेदारों को जिनसे उनके संबंध हैं, उन सब पर छापे पड़ते हैं, नज़दीक के लोगों के छापे पड़ते हैं, नज़दीक के उनके व्यापारिक समुदाय के लोग हैं उन पर छापे पड़ते हैं, ये सब इसीलिए मारे जाते हैं ताकि पॉलिटिकल स्कोर किया जाए। लेकिन अब शिवसेना के संजय राउत और उसके बाद शरद पवार कह रहे हैं कि पैसे का लेन देन हो रहा है, मामले निपटाने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये है कि क्या मोदी सरकार अपनी खुफिया अपनी जांच एजेंसियों को इतना अधिकार दे सकती है कि वो मामले सुलटाने चले जाए? क्या जांच एजेंसियां बिना मोदी सरकार की परमिशन के छापे मार सकती हैं? ऐसे आरोप तो ममता बनर्जी से लेकर सब उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब जांच एजेंसियां उनके अधिकार क्षेत्र में थी, तब बीजेपी भी आरोप लगाती रही। आपको ध्यान होगा मनमोहन सिंह सरकार के समय में तो सीबीआई तोता है, पिंजरे में बंद तोता है, इस तरह की कितनी बातें कही थी। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सीबीआई तोते से आजाद हो चुका है, तो सीबीआई नाम का तोता पिंजरे से आजाद हो चुका है। एक शेर है एक इस बारे में कि पिंजरे से तो आजाद हो गया परिंदा, लेकिन अब परिंदे के दिल से पिंजरे को निकालना है। बड़ा मौजू शेर है। खैर, इस पर कभी आगे बात करेंगे। फिलहाल तो ये है कि बड़ा सवाल एक ये। दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि अगर जांच एजेंसियां पैसे लेकर मामला रफा दफा कर रही हैं, जैसा कि संजय राउत और शरद पवार आरोप लगा रहे हैं, तो जिनके खिलाफ छापे पड़ रहे हैं वो पैसा क्यों दे रहे हैं? आखिर क्या वो कुछ छुपाना चाह रहे हैं? उनके पास छुपाने के लिए कुछ है? उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं जिसको वो पैसे से ढकना चाह रहे हैं? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है। अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आप पैसा क्यों देंगे? तीसरा सवाल ये उठता है कि अपोजिशन की पार्टियां, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब तय तो करें कि आरोप आखिर एजेंसियों पर लगाना क्या है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो आरोप एक ही लगता था कि
मनमोहन सिंह सरकार खुद को बचाने के लिए, खुद के वजूद को बचाने के लिए, चूंकि अल्पमत की सरकार थी, शासन व्यवस्था चलाने के लिए और बीजेपी को तंग करने के लिए छापे लगा मारती है, मरवाती है, ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से। कोई दूसरा आरोप उस समय बीजेपी के नेता नहीं लगाते थे कि पैसे का लेन देन हो रहा है। अब एक तरफ विपक्षी पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष से, राजनीतिक बदले की भावना से ये काम किया जा रहा है, जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और फिर सबसे बड़ा सवाल जो शुरू में भी मैंने उठाया था कि मोदी सरकार, अब एक समझने की तो कोशिश कीजिए इस तरह को, कि मोदी सरकार ये बदनामी अपने ऊपर ले लेगी, यानी मोदी सरकार जांच एजेंसियों के कहेगी कि साहब इन लोगों के खिलाफ छापे मारो, फिर मोदी सरकार इन जांच एजेंसियों से कहेगी या उसकी सहमति होगी, या उस आरोप अगर ये लग रहे हैं तो मोदी सरकार के भी कान और नाक हैं और आंख है और सब कुछ है, वो सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो क्या मोदी सरकार को ये सब पता है और मोदी सरकार चुप है कि जांच एजेंसियां पैसा खा रही? यानी मोदी सरकार अगर चाह रही है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, कि विपक्षी पार्टियों को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाया जाए, तो पैसा का लेन देन की इजाजत या उससे आंख क्यों मूंद रही है मोदी सरकार? इससे तो मोदी सरकार को उल्टा नुकसान होगा, मोदी सरकार अपना खुद का पॉलिटिकल नुकसान क्यों करेगी? एक बड़ा तर्क के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। कोई भी आरोप लगाए, ठीक है आप आरोप लगाइए, आरोप लगाने के लिए ही होते हैं, लेकिन कुछ तर्क, कुछ तथ्य भी तो उसमें होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आम जनता इस तरह के दो आरोप सुनेगी कि एक पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है, पॉलिटिकली बदला लेने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, दो पैसे का लेन देन हो रहा है, तो आम जनता के मन में क्या है? यही आएगा ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है। गालिब का एक शेर भी है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिससे पर्दादारी। तो किससे पर्दादारी? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।